मेरा नाम राजा साकिब है मैं ज़िला अटक की तहसील पिंडी घेप में गार्लिक काश कर रहा हूँ इस गार्लिक का नाम है एन ए आर सी जी वन गार्लिक ये पाकिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की प्रोडक्ट है उनकी रिसर्च के बाद उन्होंने इस गार्लिक को किसानों में रोशनास करवाया है मैं इस गार्लिक को पिछले आठ साल से एक बहुत कामयाबी से काश कर रहा हूँ और इसके जो रिज़ल्ट हैं और इसकी जो पैदावार है बहुत ज़्यादा इसके अंदर है और इसमें मुनाफे की शरह भी बहुत बुलंद है एक एकड़ से जो हमारा देसी लहसुन है वो किसान जो हासिल करता है वो साठ से अस्सी मन एकड़ से उसकी पैदावार है जबकि एन ए आर सी जी वन गार्लिक जो है इसकी पैदावार दो सौ पैंतीस मन से ले कर ये साढ़े तीन सौ मन तक है तो आप इससे ख़ुद बेहतर तौर पे देख सकते हैं कि इसकी पैदावार ज़्यादा होने की बना पे इसकी मुनाफे की शरह भी उसी तरह से बुलंद भी है और सबसे बेहतर और बेहतरीन चीज़ इस गाली के अंदर वो ये है कि इसकी कोई भी बीमारी नहीं है किसी भी किस्म की इसमें बीमारी नहीं पड़ती इस पर किसी भी किस्म के कीड़ों का अटैक नहीं है इस पर कोई स्प्रे नहीं होता है इसकी जो आ, फी एकड़ खाद की जो है वो भी अखराज इंतहाई कम है आप कह लें दस हज़ार के लगभग टोटल इसकी एक एकड़ की खाद के अखराज हैं उस पर एक बोरी डीएपी है दो बोरी यूरिया और एक बोरी आप एनपीके कर लें या सरसब्ज़ ग्वारा कर लें वो इसमें पड़ती है एक एकड़ के अंदर इसका बीज आप 600 किलो से लेके 800 किलो तक इसके अंदर बीज काश्त होता है ये 20 से 25 दिन में इसकी जर्मिनेशन हो जाती है ये इसकी काश जो है ये सितंबर 15 सितंबर से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है और ये 20 से 25 दिन में जर्मिनेशन के बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो हम करते हैं अप्रैल 15 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त हो जाती है जैसे आज हम कर रहे हैं अभी मई में, में आ गया है वो मौसम सर्द होने की बना पे इसकी काश की जो बर्दाश्त हुई है वो ज़रा लेट हुई है पाकिस्तान जो इस वक्त लहसन पैदा कर रहा है वो अठहत्तर हज़ार टन है जबकि हम पैंतीस हज़ार टन दरामद करते हैं बाहर से आता है पाकिस्तान में जिसमें इंडिया भी शामिल है चाइना भी शामिल है और कुछ और मुल्क हैं जिनसे हम ये लहसुन ख़रीदते हैं अगर यही लहसन एन ए आर सी जी वन गार्लिक को लगाया जाए तो हम जो हमारे पाकिस्तानी ज़रूरत है हम उसको भी पूरा करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट पे भी जाकर जा हम पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और इससे जो सबसे अहम चीज़ है वो किसान की खुशहाली है किसान खुशहाल होगा किसान को अपनी फसल के भरपूर पैसे मिलेंगे और इसकी जो खूबसूरती ये है कि इस लहसन के आप प्रेजेंटेशन देखेंगे इंतहाई खूबसूरत गार्लिक है साइज़ में ये बड़ा है आम जो देसी गार्लिक है उससे कई गुना बड़ा है तो इस वजह इस बना पे इसकी जो खरीदार का जो रुझान है वो इसकी जानब बहुत बढ़ रहा है और आज की तारीख में हमारे जितने तरक्की पसंद किसान हैं पाकिस्तान भर के वो इस फसल को लगाना चाह रहे हैं जी को गार्लिक है इसके लिए अब तगो दोग भी कर रहे हैं और जितना भी लहसन लगाते हैं आप अगर दस किलो लगाते हैं तो इसकी पैदावार सलाहियत जो है वो इन टू टेन है यानी कि अगर आप दस किलो लगाते हैं तो ये इसकी जो पैदावार हासिल होगी सौ और एक सौ दस एक सौ बीस के जी तक भी शायद इससे भी ज़्यादा चली जाती है तो यही इस पर ख़ूबसूरती है और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस फ़सल को सपोर्ट करें किसानों को इसकी जानब रा रागी पिक पे रहें किसान गो के आ रहे हैं इसको लगाना भी चाह रहे हैं और लगा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा जैसे जैसे किसान इसमें आएंगे देखिए उससे हमारी इसकी पैदावार बढ़ेगी तो हम एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं इस गार्लिक का इंडिया जो है वो चौदह लाख टन पैदा करता है पूरी दुनिया में पहले नंबर पर चाइना है दूसरे नंबर पर इंडिया फिर बांग्लादेश है और पाकिस्तान का नंबर है अट्ठारवा मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ फ़क्त दो साल में हम दुनिया की जो लसन पैदा करने वाले ममालिक हैं पहले पाँच मुल्कों में हम बासानी आ सकते हैं अगर हम सिर्फ इस जीवन गार्लिक को सपोर्ट करें और इससे आगे लेके आएँ तो इन वो वक्त दूर नहीं जब हम अपने मुल्क के लिए इंतहा कीमती जरूर मुबादला कमा सकते हैं